Hello friends, this is Rahul. Welcome back to CAD Styler CNC Programming Tutorials. So friends, आज की इस वीडियो में बात करेंगे डीप कटिंग की। जब मैंने CNC Programming के ट्यूटोरियल स्टार्ट किए थे तो उसमें मैंने वेरी फर्स्ट जो प्रोग्राम मैंने बनाया था इसी स्लॉट का बनाया था जिसमें मैंने सिंगल कटिंग करी थी। 100 बाय 100 का मेरा ब्लॉक है ये और जिसमें मैंने सिंगल कटिंग की थी, 2 mm का डीप कटिंग की थी। ठीक है, सो यहाँ पे हम देखेंगे कि 20 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm या जितनी भी कटिंग करनी हो तो मैं उसका प्रोग्राम किस तरह से बना सकता हूँ। देखिए, अगर मैं 2-2 mm की कटिंग करने लग जाऊं, मान लीजिए मुझे 30 mm की कटिंग करनी है, सो अगर मैं 2 mm की कटिंग दे रहा हूँ सिंगल टाइम में या 1 mm की कटिंग दे रहा हूँ तो मेरे को 1 mm की कटिंग के साथ 30 times प्रोग्राम रिपीट करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर मैं 2 mm का पर डेप्थ ऑफ कट दे रहा हूँ तो मुझे 15 times उसे रिपीट करना पड़ेगा। सो इसी तरह से उसको मल्टीपल टाइम्स मुझे रिपीट करना पड़ेगा जितने भी डीप कटिंग मुझे करनी है और जितना मैं डेप्थ ऑफ कट दे रहा हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे आज हम क्या करेंगे, एक मेथड यूज करेंगे जिसकी हेल्प से ये ऑटोमेटिक डीप कटिंग करता जाएगा, ऑटोमेटिक प्रोग्राम्स को रिपीट करता जाएगा, रिपीट करता जाएगा जितने भी टाइम्स मुझे, लाइक मैंने एक कट जो दिया था वो 2 mm का दिया था, सो अगर मुझे 30 mm की कटिंग करनी है तो 15 times वो ऑटोमेटिक रिपीट होता जाएगा, मुझे बार बार प्रोग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो आज इस प्रोग्राम को देखेंगे तो उस प्रोग्राम को क्या बोलते हैं हम, सब प्रोग्रामिंग। ठीक है, अभी हमने देखा प्रोग्रामिंग किस तरह से बनाते हैं, आज हम देखेंगे सब प्रोग्रामिंग की हेल्प से हम डीप कटिंग किस तरह से करेंगे। ठीक है, सो आइए देखते हैं। जैसे कि मेरे पास ये एक ब्लॉक है 100 बाय 100 का, 50 mm की इसकी डेप्थ है और 30 mm का मेरे को साइड से कटिंग करनी है चारों कॉर्नर से। ठीक है, जिस तरह से आपको ये 3D में दिखाई दे रहा है, तो आइए इसको देखते हैं किस तरह से बनाना है। पहले देखते हैं सब प्रोग्रामिंग में M98 का कोड यूज करेंगे और M98 का मतलब क्या है, सब प्रोग्रामिंग स्टार्ट। ठीक है, तो सब प्रोग्रामिंग जब भी हमें स्टार्ट करनी है तो M98 का कोड यूज करेंगे और जब हमें एंड करना है तो हम M99 का यूज करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होगा कि अब हमें दो प्रोग्राम बनाने हैं, एक तो हमें बनाना है मेन प्रोग्राम, एक बनाना है हमें सब प्रोग्राम। सो सब प्रोग्राम को हम मेन प्रोग्राम के अंदर कॉल करेंगे और उसे जितनी मर्जी टाइम हम रिपीट कर सकते हैं। क्लियर है ये पॉइंट? तो आइए देखते हैं प्रोग्राम किस तरह से बनाना है। तो हम यूज कर रहे हैं O009 एक प्रोग्राम बना रहे हैं। सो फ्रेंड्स, इस ब्लॉक का मैं ऑलरेडी एक प्रोग्राम बना चुका हूँ सिंगल 2 mm की कटिंग के साथ, तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं, उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, वहां से आप वीडियो देख सकते हैं कि मैंने प्रोग्राम किस तरह से बनाया था, किस तरह से ऑफसेट ली थी। आज मैं वो सब आपको नहीं कराऊंगा, आज मैं करवाऊंगा सिर्फ सब प्रोग्रामिंग। ठीक है, सो यहां से भी हम क्या करेंगे, G17, G21, G90, G94, G55, T01M06, S2000 स्पिंडल मैंने ऑन कर दिए, G0। फ्रेंड्स, अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे जो ओरिजिन है वो यहाँ पे कॉर्नर में लेके चलना है। ठीक है, बिल्कुल स्टार्टिंग से हमें ओरिजिन लेके चलना है। सो यहाँ पे ओरिजिन जब हम लेके चलेंगे तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, 00 G0 X0 Y0 टूल वहां पे आ जाएगा और यहाँ पे हम क्या करेंगे, Z2 टूल को दो हम ऊपर रखेंगे, G1 Z0 फीड 200 M08 दे दिया हमने, Z-2। ठीक है, अब यहाँ पे हम Z-2 नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, M98 सब प्रोग्राम को कॉल करेंगे और उसको कितने टाइम स्पीड करेंगे, 15 times स्पीड करेंगे। और प्रोग्राम कौन सा होगा मेरा, लाइक मैं अभी प्रोग्राम नेम क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, 9, और यहाँ पे क्या बना रहा हूँ, अब मुझे प्रोग्राम कौन सा बनाना है, डिफरेंट बनाना है। सो 00 10 में प्रोग्राम बना रहा हूँ कोई भी। ठीक है, सो अभी मैंने मेन प्रोग्राम कौन सा बनाया, 9, और यहाँ पे मैं सब प्रोग्राम कौन सा बना रहा हूँ, 10 का। तो अभी मैंने बनाया नहीं है, उसको मैं बनाऊंगा अभी, तो मैंने उसको ऑलरेडी कॉल कर लिया। अब M98 में क्या आ रहा है, पी के साथ, पी मतलब प्रोग्राम को कितनी बार रिपीट करना है, 15 times रिपीट करना है, और कौन से प्रोग्राम को रिपीट करना है। अब प्रोग्राम का जो नेम आएगा यहाँ पे वो कौन सा आएगा, ओ के बाद जो भी आप प्रोग्राम लिखोगे वो यहाँ पे आएगा, आपने ओ नहीं लिखना है यहाँ पे, ध्यान रखना, ओ के बाद जो भी आप प्रोग्राम बनाओगे सब प्रोग्राम वो यहाँ पे आ जाएगा। ये देखिए 0010, मैंने ओ नहीं लिखा यहाँ पे, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। अब क्या करेंगे, प्रोग्राम मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, G0 Z100 M05 M09 M30। तो आप सोचेंगे कि अब ये क्या हुआ, कटिंग तो हमने की नहीं और प्रोग्राम भी खत्म हो चुका है। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अभी प्रोग्राम बनाएंगे नया,
तो अब यहाँ पे हम नया प्रोग्राम बनाएंगे, ध्यान देना, 00010 में प्रोग्राम बना रहा हूँ। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए जब भी वो प्रोग्राम रिपीट करेगा तो रिपीट कब करेगा, जब उसको हम डेप्थ देंगे। और डेप्थ कब देंगे, अब एब्सोल्यूट में कभी भी प्रोग्राम रिपीट नहीं करेगा, जब भी वो प्रोग्राम रिपीट करेगा हमें इंक्रीमेंट में उसे वैल्यू देनी पड़ेगी। तो अब यहाँ पे हमने कोड क्या लगा रखा था, G90। G90 मीन्स एब्सोल्यूट में काम कर रहे हैं हम। सो जब भी हम सब प्रोग्राम बनाएंगे तो हम जो डेप्थ ऑफ कट देंगे वो G91 देंगे, मीन्स इंक्रीमेंट में। अब आपको पता है इंक्रीमेंट में क्या होता है, लास्ट पॉइंट से वैल्यू उठाता है, ठीक है। सो लाइक अगर प्रोग्राम यहाँ पे 2 एम की कटिंग कर रहे हैं इनिशियल स्टेज में, पहला कट उसने 2 एम का लगाया, फिर जहां से उसने कटिंग की है वहीं से 2 एम और नीचे चला जाएगा, वहीं से नीचे नीचे जाता जाएगा वो, अगर मैं G91 में दे रहा हूँ। अगर मैं G90 में दे रहा हूँ तो मेरे को सेम वही सब प्रोग्राम फिर लगाने की जरूरत ही नहीं है, फिर मैं सिंपल प्रोग्राम बना सकता हूँ, Z-2, Z-4, Z-10, Z-20, इस तरह से, ठीक है। सो जब भी आप सब प्रोग्राम यूज कर रहे हैं तो आपको G91 जरूर लगाना है, और कट जो देना है वो Z-G91 में ही देना है। तो यहाँ पे Z-2 मैंने एक डेप्थ ऑफ कट ले लिया, और G91 Z-2 फीड भी यहाँ पे आपकी आएगी, और कूलेंट भी यहाँ पे आप ऑन कर सकते हैं। अगर पीछे मेन प्रोग्राम में नहीं किया तो आप यहाँ पे सब प्रोग्राम में कूलेंट को ऑन कर सकते हैं, फीड भी दे सकते हैं। सो यहाँ पे अब जो मुझे कटिंग देनी है, अब मुझे एक्स और वाई में मूवमेंट देनी है, तो यहाँ पे आपके कोऑर्डिनेट्स यूज होंगे। तो G90 अब यहाँ पे क्या किस लिए यूज करेंगे, अब मुझे एब्सोल्यूट में काम करना है, अब एक्स वाई में मूवमेंट देनी है और एब्सोल्यूट में मूवमेंट देनी है। तो अब एक्स वाई जो होगा वो कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग चलेगा, ठीक है। सो G90 एक्स कितना हो जाएगा 100, वाई कितना हो जाएगा 0। वो कैसे, ध्यान से देखना, एक्स 100 यहां से लेकर यहां तक चला जाएगा, वाई 0 यहां पे रहेगा। अब ये कोऑर्डिनेट्स अगर आपको यहां पे नहीं समझ आ रहे हैं तो इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, आप उसको भी देख सकते हो। सो G90 एक्स 100 वाई 0 अगेन आ जाएगा, एक्स 100 वाई 100, एक्स 0 वाई 100 आ जाएगा, और एक्स 0 वाई 0 ये वापस आ जाएगा। और यहाँ पे हम M99 से क्या करेंगे, प्रोग्राम एंड कर देंगे। बस मुझे ये प्रोग्राम इतना ही बनाना है, क्लियर है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक तो मेन प्रोग्राम ये हो गया हमारे पास और एक सब प्रोग्राम ये हो गया। यहाँ पे हमने क्या किया, कॉल किया M98 के साथ P15, 15 टाइम्स की रिपीट होगा, P का मतलब रिपीटिशन, तो 15 टाइम्स की रिपीट होगा, और कौन सा प्रोग्राम होगा जो हमने अभी सब प्रोग्राम बनाया, ठीक है। तो आइए इसको रन करके देखते हैं प्रोग्राम किस तरह से रन होगा। मैंने ऑलरेडी एक प्रोग्राम बना रखा है 009, 0099, ठीक है, ये प्रोग्राम बना रखा है। इसके साथ ही सब प्रोग्राम भी देख लेते हैं, 0098 का मैंने एक सब प्रोग्राम बना रखा है। देखिए G91, G1, Z-2 फीड और कूलेंट ऑन कर रखे हैं यहाँ पे। G90 में मैंने कटिंग दे रखी है, G1 X100 Y0, X100 Y100, X0 Y100, X0 0, X0 Y0, और M99 आ जाएगा यहाँ पे सब प्रोग्राम एंड। तो हमें कॉल जब करना है मेन प्रोग्राम को, कॉल करना है मेन प्रोग्राम को, कॉल करना है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, स्टॉक को रिप्लेस कर लेते हैं। सो प्रोग्राम को हम, ताकि प्रोग्राम जो है वो स्टार्टिंग से चले। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, टूल डाया कितना लेके चला है 20 mm का, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो जो मैंने स्लॉट काटना है वो 10 mm का काटना है, तो मुझे 20 mm का टूल चाहिए ताकि वो सेंटर से रन करे और इजीली कटिंग कर दे, ठीक है। सो मैंने टूल को कितना कंट्रीब्यूट करवाया, 50% कंट्रीब्यूट करवा रखा है यहाँ पे। सो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम मेन प्रोग्राम रन करेंगे। देखिए मैं यहाँ पे आपको कुछ ज्यादा नहीं, ज्यादा डीप में नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि इससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियोस काफी बना रखी हैं, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि ये प्रोग्राम यहाँ पे किस तरह से लिखना है, ऑफसेट किस तरह से लेनी है, और टूल को किस तरह से लेना है, टूल को हम मैगजीन में किस तरह से ऐड कर सकते हैं, ये सारी की सारी चीजें जो है पुरानी वीडियोस में देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको फिर भी ये चीजें नहीं समझ आती हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं इसके ऊपर जरूर एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। ओके सो स्टार्ट करते हैं। यहां से हम क्या कर रहे हैं, अभी सिंगल ब्लॉक नहीं रन करेंगे बिकॉज काफी लंबा प्रोग्राम है, तो इसको हम साइकिल से स्टार्ट।
ओके फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कंप्लीट हो चुका है और आप स्टेप्स भी काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। तो 15 टाइम्स ये रिपीट हो चुका है और इसने इस तरह से डीप कटिंग कर दी है। ठीक है, सो आई होप फ्रेंड्स आपको ये प्रोग्राम अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्रैक्टिस कीजिए, जिनको नहीं समझ आया कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, और जिनको इस प्रोग्राम से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।